और आपको बताएं कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही बिनानी सीमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने कोर्ट से मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। सूत्रों का यह कहना है कि बिनानी सीमेंट को कर्ज देने वाले बैंकों ने अल्ट्राटेक की बोली का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ दिया है। आप ये भी जानिए कि इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत पहले डालमिया भारत को 6,700 करोड़ रुपए में बिनानी सीमेंट को बेचने का फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में अल्ट्राटेक ने बताया कि उसने बिनानी सीमेंट में 98.47% हिस्सेदारी 7,266 करोड़ रुपए में खरीदने का अग्रीमेंट बिनानी इंडस्ट्रीज के साथ किया है।